अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई आप सब लोग। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। आज है ईद का तीसरा दिन, खुशियां हर तरफ फैली हुई हैं। और एक चीज़ फैलने से याद आया, जो चीज़ नहीं फैलनी चाहिए, प्लीज़ जितना भी कुर्बानी के जानवरों में से सामान निकलता है वो प्लीज़ साइड पर रखिए, या कॉल करके जहाँ पर जाना होता है वहाँ उसको भेजिएगा ज़रूर, क्योंकि जो सड़क पे पड़े हैं वैसे ही हमारा जो शहर है वो उतना साफ़ नहीं है, तो प्लीज़ मज़ीद गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। खैर जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हो गई? कुछ खिलाने पिलाने में भाई को याद तक नहीं किया, वाह। अरे वो असल में इतने थके हुए थे। आपने क्या मोहल्ले वालों की भी कुर्बानी की है? नहीं नहीं, वो अपना ही काम करने में फिर बांटने में आपको पता ही होता है कि वो आप थक जाते हैं, आप खुद भी करते हैं। उम्र का तकाजा भी है, उम्र का तकाजा भी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले आप कह गाय, आप मैं ज़िबा नहीं करता हूँ लेकिन कसाई के साथ साथ होता हूँ, और जब बांटने की बारी आती है तो कुछ लोग मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जा सकता होता हूँ वहाँ चला भी जाता हूँ। फिर टाइम निकालना होता है क्योंकि शो भी होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमें यहाँ पे भी आना होता है ना, शाम में यहाँ भी आना होता है। आप लोग खैरियत से हैं भाई? बिल्कुल फिट वाले, जबरदस्त। चलिए जनाब, शुरू करेंगे आज का शो। कल का मुकाबला यहाँ पर जी सैक की टीम, यानी कि गेम शो ऐसे चलेगा कि टीम विन कर गई थी, लेकिन परसों जो पहला मैच हुआ था वो जीते थे खुश रहो पाकिस्तान वाले। आज पहले मैं उन लोगों से ये बात करूंगा, भाई कल क्या हुआ तुम लोग? एक शक्ल मुझे यहाँ तब्दील लग रही है, प्लेयर तुम लोगों ने चेंज कर दिया, क्यों? सिकंदर कांगिया? हाँ, नैनसुख की छोटी बहन आई है सर आज। ये नैनसुख के छोटे भाई बहन है? ये तो नैनसुख ही बताएगी, इसे घर में रहती होंगी फिर। जी जी बताएं। नैन नैनसुख? नहीं नहीं सर, मजाक कर रहे हैं। तो फिर क्या है ये? दोस्त है पहला तो इंसान है, दूसरा मेरे दोस्त है। अच्छा, पहले इंसान है, दूसरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी बेहतरीन। अभी क्लियर नहीं है? तुम क्यों भांडे फुड़वा रहे हो यहाँ पे यार, क्या हो गया तुम लोगों को भाई? खैर, थोड़ा सा सीरियस हो के, पहला मैच जीत गए थे, दूसरा मैच हार गए हो, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। सिकंदर है कहाँ बाय द वे? दानिश भाई, उसके एक शूट थे कमर्शियल की तो उधर गया हुआ है। अच्छा, वो आज तो कमिटमेंट की भी थी, अगर बिजी था तो फिर ठीक है। लेकिन ओसामा, मुझे पता है हमारे फ्लोर का भी सर है, इसने भी हमारे वाले गेम्स काफ़ी सारे खेले हुए होंगे। आज अगर यहाँ जीतते हो तो फिर एक हिस्ट्री बना के जाओगे। याद रखो, लास्ट टाइम जब भी मुकाबला हुआ है इन दो टीम्स का, तुम लोग हार गए। दो पॉइंट जाएंगे जी सैक के साथ। हो जाए भाई, ये मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम। और एक पॉइंट विन करना था, तुम लोग नहीं कर पाए। पॉइंट टेबल दिखाइएगा मुझे अभी का। आज था जी फाइनल, ईद के तीसरे दिन, पहले दिन 27-22 का डिफरेंस है। खुश रहो पाकिस्तान की टीम जो है वो गेम चेंजर तक नहीं पहुंची है फाइनल में। पहले दिन जीते थे ये लोग, सेकंड डे हारे, थर्ड डे भी पॉइंट टेबल पे ही हार गए। अब अगर गेम चेंजर ये लोग हारे, अब तो ये गेम चेंजर एक तरह की फॉर्मेलिटी ही रह गई है, क्योंकि विनिंग टीम है आज की फिर से टीम जी सैक। हाँ जी बताइएगा, कौन कौन से ब्रीफ कैसे मंगाएंगे? हैं गर्ल्स खेल रही हैं आज? चलें जी, खेल सकती है। रेडी गो, टाइम जा रहा है। नंबर टू, नंबर टू, दो नंबर दीजिएगा ने, गो। नंबर नाइन, नाइन नाइन, नंबर नाइन दीजिएगा, गो। टाइम जा रहा है। फाइव, पांच नंबर दीजिएगा ने, गो। सेवन, और सात नंबर दीजिएगा इन्हें। अब बताइए वो कौन सा ब्रीफ केस होता जो आप इन्हें दे देते, और अगर ये लोग गेम चेंजर में इन होते तो क्या जीतते या हारते? फाइव चला गया। फोर, फोर, चार नंबर ये देते टीम था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, पांच नंबर में 10 लाख रुपए नहीं दे। आज की विनिंग टीम पॉइंट टेबल पर आगे रही है टीम जी सैक, लेकिन गेम चेंजर भी जीत गई 9 नंबर में, दे 10 लाख रुपए। तो इन लोगों ने खुशियों को दुबाला किया, यहाँ पर आके सब आ जाओ भाई, यहाँ पर ईद मिल लो। अच्छा जी, मैं इसी नोट पे यहाँ खिताम पजीर करूँगा अपने शो को। याद रहे कल जो है वो हम पे सीजन 15 का जो नेक्स्ट मैच है वो करेंगे। आज की विनिंग टीम रही है टीम जी सैक, मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा कल इंशाल्लाह ठीक 7:15 बजे। मिलके सब एक बार बोलेंगे गेम शो।